इसको अपग्रेड करेंगे हम। इसके अंदर M2 कार्ड या SSD 8 जो भी ऑप्शन होगी वो लगाएंगे, और दूसरे नंबर के ऊपर नॉर्मल जो हार्ड लगी हुई है उसको भी अपग्रेड करेंगे, उसकी स्पीड जो है ना बूस्ट करेंगे। उसके बाद विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करेंगे, इसकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर वगैरह करेंगे इसके अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल से और उसके करम से आज भी एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये HP का लैपटॉप है, प्रो बुक है, ये 430 मॉडल है इसका। इसको अपग्रेड करेंगे हम। इसके अंदर M2 कार्ड या SSD 8 जो भी ऑप्शन होगी वो लगाएंगे, और दूसरे नंबर के ऊपर नॉर्मल जो हार्ड लगी हुई है उसको भी अपग्रेड करेंगे, उसकी स्पीड जो है ना बूस्ट करेंगे। उसके बाद विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करेंगे, इसकी नॉर्मल सॉफ्टवेयर वगैरह करेंगे इसके अंदर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले इसका ये जो पैनल डी कवर है ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह ने जी, ये छोटा 128 GB कार्ड लगा हुआ है, तो ये हार्ड लगी हुई है, तो ये कार्ड भी चेंज कर लेंगे 128 GB, ठीक है, SSD, क्योंकि ये स्पीड स्लो हो गई है तो ये चेंज कर लेंगे हम। इसकी हेल्थ डाउन हो गई है, और ये नॉर्मल हार्ड जो है ये भी चेंज कर लेंगे। तो ये छोटा कार्ड पहले उतार लेते हैं। अच्छी 128 GB कार्ड है, ये हार्ड है इसकी। ये हार्ड लगी है इसकी 320 GB, इसको भी चेंज कर लेंगे। जी ये पुरानी SSD 128 GB है इसकी M2, ये नई M2 है। वन टू एट M2 एंड 400, इसको फिटिंग करेंगे इसके लिए। बिस्मिल्लाह। ऐसे फिटिंग की है, इस नंबर के ऊपर ये 320 GB हार्ड है इसकी, फिर हार्ड की फिटिंग करेंगे। SSD की भी फिटिंग हो गई है और हार्ड की फिटिंग हो गई है। आप इसके अंदर इंस्टॉलेशन वगैरह करके तो इसको ये पैक कर लेते हैं, इंस्टॉलेशन वगैरह करके तो फिर इसके अंदर सॉफ्टवेयर वगैरह जो है ना इंस्टॉल करके फिर आपको चेक करवाते हैं। ये विंडोज़ की इंस्टॉलेशन वगैरह कर लिया इसके अंदर, और ड्राइवर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर लिए हैं हमने। ठीक है, ये विंडोज़ ड्राइवर्स सॉफ्टवेयर वगैरह टोटल इंस्टॉलेशन हो गई है इसकी। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।